हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू रिवाइज अगेन यूनिट टू एंड दिस इज़ द वीडियो टू ऑफ क्लास फोर ऑफ EVS. ओके चिल्ड्रन, सो प्लीज़ एवरी वन टेक अ पेंसिल एंड नोटबुक विद यू सो दैट राइट यू कैन सम इम्पोर्टेंट थिंग्स देयर. ओके, लेट्स टॉक अबाउट डेजर्ट हैबिटेट. बच्चों देखो, आई एम टेलिंग यू वन थिंग, कंडीशंस इन द डेजर्ट विल टॉक अबाउट फर्स्टली दिस. ओके, यू वुड बी सरप्राइज टू नो दैट देयर आर प्लेसेज इन द वर्ल्ड वेयर वेरी लिटिल रेन वाटर फॉल्स. ओके, आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है, या हम कह सकते हैं जहाँ पर पानी की मात्रा बहुत कम होती है. ओके, दीज ड्राई प्लेसेज ऑन द अर्थ आर कॉल्ड डेजर्ट्स. और इनको क्या बोलते हैं? डेजर्ट्स. ड्यू टू ड्राई वेदर नथिंग मच ग्रोज ऑन सोइल एंड द लैंड इज मोस्टली कवर्ड विथ सैंड. अब वहाँ पर बारिश तो होती नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर कुछ ज़्यादा ग्रो भी नहीं होता है, और पूरी जो कह सकते हैं पूरा जो लैंड होता है, पूरी जो ज़मीन होती है, वो सिर्फ रेत से कवर्ड होती है. ओके, इन अ डेजर्ट डेज कैन बी वेरी हॉट एंड नाइट्स कैन बी वेरी कोल्ड. रात तो वहाँ पर बहुत ठंडी हो सकती है, लेकिन दिन में तो बहुत गर्मी होती है. ओके, देयर आर ओनली अ फ्यू एरियाज वेयर वाटर इज अवेलेबल विच आर कॉल्ड ऑसेस. ठीक है, वहाँ पर सिर्फ कुछ ही जगह होती है जहाँ पर पानी अवेलेबल होता है, एंड उनको बोलते हैं ऑसेस. ओके, वन कैन फाइंड सम स्पेशल काइंड ऑफ प्लांट्स अराउंड एन ऑसिस. और वहाँ पर ना कुछ स्पेशल तरह के कुछ प्लांट्स आपको मिल सकते हैं. ठीक है, वहाँ पर होते हैं ऑसिस के आसपास. अब देखिए प्लांट्स, लेट्स टॉक अबाउट प्लांट्स. प्लांट्स लाइक कैक्टस, पाम ट्रीज एंड डेजर्ट्स, डेजर्ट लिलीज सर्वाइव है. वहाँ पर कौन कौन से प्लांट्स होते हैं फेमस? तो बच्चों वहाँ पे कैक्टस होता है, कैक्टस, पाम एंड डेजर्ट लिलीज होते हैं. ठीक है, एनिमल्स लाइक कैमल्स, डेजर्ट स्नैक्स एंड स्नेक एंड फॉक्स आर फाउंड हेयर. और वहाँ पर आपको कैमल्स मिलते हैं, और कुछ तरह के स्नेक होते हैं, कुछ सांप होते हैं वो मिलते हैं, और फॉक्स मिलते हैं. ठीक है, इफ़ अ लिविंग बींग हैज़ टू सर्वाइव हेयर देन इट मस्ट लर्न टू सर्वाइव विद लेस वाटर एंड फाइंड अ वे टू सेव इट सेल्फ फ्रॉम एक्सट्रीम हीट. अगर वहाँ पर किसी को रहना पड़े ना, अगर आपको डेजर्ट में रहना पड़े, तो आपको बहुत ही कम, आपको ये भी पता लग जाएगा कि कम पानी में आप कैसे वहाँ पर सर्वाइव करोगे इन विद लेस वाटर. ओके, और आपको ये भी तरीका अच्छे से पता लग जाएगा कि जैसे वहाँ पे इतनी गर्मी होती है, तो आप अपने आप को कैसे उससे सेव करोगे. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू प्लांट्स अडेप्ट. प्लांट्स कैसे वहाँ के, मीन्स वहाँ के एनवायरनमेंट में अपने आप को ढालते हैं, एक तरह से कह सकते हैं. कैक्टस इज़ अ प्लांट दैट परफेक्टली सर्वाइव इन डेजर्ट. कैक्टस काफ़ी अच्छे से डेजर्ट में ग्रो होता है. इट हैज़ रूट्स एंड गो वेरी डीप अंडर द ग्राउंड टू एब्जॉर्ब वाटर. इसकी रूट्स होती है और ये ग्राउंड के बहुत अंदर तक जाता है पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए. द हॉट सन कैन इवेपोरेट वाटर प्रेजेंट इन द लीव्स. और जो गर्म, जो हॉट सन होता है, वो जो लीव्स में जितना भी वाटर प्रेजेंट होता है उसको इवेपोरेट कर देता है. ठीक है, टू अवॉइड एनी वाटर लॉस कैक्टस डजेंट हैव लीव्स बट थॉर्न्स. कैक्टस में लीव्स तो नहीं होते, लेकिन उसके बड़े बड़े थॉर्न्स होते हैं, बड़ी बड़ी लीव्स पर थॉर्न्स होते हैं. दीज थॉर्न्स ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शंस अगेंस्ट एनिमल्स हु ट्राई टू ईट कैक्टस. और आपको पता है कैक्टस को कोई एनिमल्स जल्दी से नहीं खाता है, क्योंकि उसमें तो थॉर्न्स होते हैं, है ना. एंड ऑल्सो इट्स थिक स्टेम्स हेल्प इन स्टोरिंग वाटर. उसकी जो स्टेम होती है वो बहुत थिक होती है, जो उसको पानी को स्टोर करने में हेल्प करती है. ओके, हाउ डू कैमल्स अडेप्ट. कैमल्स इज़ नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट. आप सभी को पता है कि कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट बोला जाता है, बिकॉज इट कैन ईजली सर्वाइव इन द डेजर्ट एरिया. ओके चिल्ड्रन, नाउ इट डज सो बिकॉज इट्स फीट हैव पैड्स विच आर कवर्ड बाई थिक लेयर ऑफ स्किन. आपको पता है जो कैमल्स फीट होते हैं, वो उन पर बहुत ही ज़्यादा थिक एक पैड लगे होते हैं दोनों पर, उसके फीट पर. ठीक है बच्चों, जो उसको इतनी गर्म रेत होती है, इतनी हॉट वहाँ पे सैंड होता है, उसके ऊपर चलने में उसकी मदद करते हैं. अब देखो, टू ओवरकम द लैक ऑफ फूड एंड वाटर द कैमल हैज़ अ हम्प ऑन इट्स बैक. अब जैसे वहाँ पे पानी और खाने की समस्या होती है, तो जो उसकी बैक पर एक हम्प होता है, ठीक है, कैमल की. दिस हम्प इज़ यूज्ड टू स्टोर फैट. और उस हम्प में वो फैट को स्टोर करता है. ठीक है, अ कैमल डजंट स्वेट
much hence because it sorry hence it losses very little water. कैमल को कभी भी पसीना भी नहीं आता है, वो स्वेटिंग भी नहीं करता है, इवन वहाँ पे पानी की इतनी प्रॉब्लम है. आफ्टर दैट टू प्रोटेक्ट इट्स आईज फ्रॉम सैंड स्टॉर्म्स इट हैज़ थ्री आई लैशेज. कैमल्स की थ्री आई लैशेज होती हैं. इट कैन क्लोज इट इट कैन ऑल्सो क्लोज इट्स नोस्ट्रिल्स ड्यूरिंग अ सैंड स्टॉर्म. जब वहाँ पर तूफान आ जाता है, रेत उठती है, तो कैमल्स क्या करते हैं, अपनी आई लैशेज की हेल्प से अपनी आईज़ को और अपनी नोस्ट्रिल्स को अच्छे से वो कवर कर लेते हैं. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट ग्रास लैंड हैबिटेट. अब देखिए, ग्रास लैंड्स एज द नेम इंडिकेट्स आर एरियाज वेयर मेनली ग्रास एंड सम ट्रीज ग्रो. ये तो नाम से हमें क्लियर होता है ना बच्चों के, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रास होगी या फिर कुछ ट्रीज होंगी. दे आर वेटर कोल्ड वेटर एंड कोल्डर देन डेजर्ट्स. ये डेजर्ट से तो काफ़ी गीले और ठंडे होते हैं, बट दे आर नॉट एज कोल्डर एज पोलार रीजन्स. लेकिन जितना ठंडा पोलार रीजन्स होता है इतने नहीं होते हैं. ठीक है, बिकॉज ऑफ द ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रासलैंड्स आर अ हैबिटेट फॉर अ वराइटी ऑफ एनिमल्स. वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स भी होते हैं जो ग्रासलैंड्स में सर्वाइव करते हैं. ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन अफ्रीका एशिया ऑस्ट्रेलिया नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका. यहाँ पर आपको ज़्यादा ग्रासलैंड्स मिलेंगे. अ फ्यू एनिमल्स फाउंड इन ग्रासलैंड्स हैबिटेट आर जिराफ ज़ेब्रा चीता एलिफेंट्स लायंस एक्सेट्रा. इस तरह के एनिमल्स आपको वहाँ पर मिलेंगे. प्लांट्स फाउंड इन द ग्रासलैंड्स आर बाओबब. बाओबब इज़ द नेम ऑफ अ ट्री. एंड अकेशिया, बबूल के ट्री को बोलते हैं अकेशिया. ओके, एलिफेंट ग्रास एंड बुश विलो, ये सारे ट्रीज वहाँ पर आपको मिलेंगे. हाउ टू प्लांट्स एडेप्ट, लेट्स टॉक अबाउट अकेशिया. अकेशिया ट्री हैज़ डीप रूट्स, काफ़ी रूट्स इसकी डीप होती हैं, विच आर यूज्ड टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सोइल. जो मिट्टी से पानी को ऑब्जर्व करती हैं. व्हेन इट डजंट रेन मच, जब ज़्यादा बारिश नहीं होती है, द अम्ब्रेला शेप्ड टॉप हेल्प्स एब्जॉर्ब मैक्सिमम सनलाइट. बबूल का जो बच्चे जो ट्री होता है, जो पेड़ होता है, उसकी शेप अम्ब्रेला जैसी होती है, जो सनलाइट को मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन में, सनलाइट के मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन में हेल्प करती है. ओके, द बाओबब ट्री हैज़ अ थिक स्टेम टू स्टोर वाटर व्हेन इट डजंट रेन. उसकी जो बाओबब ट्री होता है उसकी थिक स्टेम होती है, और जब बारिश नहीं होती है तो वो व्हेन थिक स्टेम टू स्टोर वाटर, जब बारिश नहीं होती है तो वो पानी को, जो उसकी स्टेम होती है, पानी को स्टोर करने में मदद करती है. इट हैज़ स्मॉल साइज लीव्स, इसकी बहुत छोटी पत्तियाँ होती है, विच हेल्प इन रिड्यूसिंग वाटर लॉस, जो वाटर लॉस के रिड्यूसिंग में हेल्प करती हैं. ठीक है, मोस्ट प्लांट्स एंड शर्ब्स फाउंड इन ग्रासलैंड्स हैव थॉर्न्स विच प्रिवेंट एनिमल्स फ्रॉम ईटिंग देम. वहाँ पर जितने भी ज़्यादा प्लांट्स होते हैं या फिर शर्ब्स होते हैं बच्चों, उन सब में थॉर्न्स होते हैं, ताकि जो कि उनकी रक्षा भी करते हैं कि एनिमल्स उनको ना खा पाए. ठीक है, हाउ डू जिराफ्स अडेप्ट, द जिराफ्स हैव परफेक्टली अडेप्टेड देमसेल्फ टू सर्वाइव इन ग्रासलैंड्स. काफ़ी अच्छे से वहाँ पर सर्वाइव करता है. ठीक है, डियर लॉन्ग नेक, उनकी जो लॉन्ग नेक होती है, हेल्प्स देम इन रीचिंग लीव्स ऑफ टॉल ट्रीज एंड अदर एनिमल्स कैन नॉट. जो वहाँ पर लंबे लंबे टॉल ट्रीज होते हैं, तो जो जिराफ्स होते हैं उनकी तो नेक होती है काफ़ी टॉल है ना, तो वो अपनी नेक की हेल्प से लीव्स खा लेते हैं जब उनको भूख लगती है, जब उनको हंगर फील होता है. ठीक है, लेकिन और एनिमल्स ऐसे नहीं खा सकते. दे ऑल्सो हैव अ थिक टंग एंड लिप्स विच प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट द थॉर्न्स ऑफ अकेशिया ट्री एंड अदर प्लांट्स फाउंड इन ग्रासलैंड्स. और आपको पता है उनकी जो टंग होती है बहुत ज़्यादा थिक होती है, और लिप्स भी, जो क्योंकि वो जो भी प्लांट्स खाते हैं वहाँ पे थॉर्न्स होते हैं सारे प्लांट्स में, तो वो उनकी हेल्प करते हैं. ठीक है, सिंस ग्रासलैंड्स डोंट रिसीव मच रेन वाटर, जिराफ्स कैन लीव विदाउट वाटर फॉर मोर देन टू वीक्स. अगर वहाँ पर ज़्यादा समय तक बारिश ना हो, तो आपको पता है जो जिराफ्स होते हैं वो 2 weeks तक बिना वाटर के रह सकते हैं. बट वन इट इज़ अवेलेबल दे कैन ड्रिंक अप टू 12 liters ऑफ वाटर एट अ टाइम. लेकिन जब वहाँ पर पानी अवेलेबल हो, वाटर अवेलेबल हो, तो वो 12 liters एक ही समय में पानी पी जाते हैं. ओके, देयर लॉन्ग नेक्स हेल्प इन सीइंग डेंजरस एनिमल्स फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस. आपको पता है इनकी जो नेक होती है, जो जिराफ्स की नेक होती है, वो दूर से आ रहे जो एनिमल्स होते हैं, दूर जिराफ के लिए डेंजर्स होते हैं, उसको खा जाएंगे, उसको मार देंगे, तो उसको देखने में भी उन लोगों को, जिराफ्स को
हेल्प होती है कि वो अपनी नेक को ऐसे ऊपर करके वो अच्छे से देख लेते हैं कि कोई आ तो नहीं रहा है. ठीक है बच्चों, नाउ प्लीज़ थैंक यू सो मच चिल्ड्रन. नाउ यू हैव टू कम्प्लीट वर्कशीट्स फ्रॉम 6 to 8. एनी डाउट यू कैन कॉल मी एंड डू योर वर्क बेस्ट. थैंक यू सो मच.